सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो आज हमारा व्लॉग है कि जो हमारे धुनी में इतने दिन से कार्यक्रम चल रहा था पूजन और मूर्ति स्थापन का, तो आज वहाँ पे भंडारा है। तो अभी यहाँ पे आज भंडारा है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक 11 बजे से भंडारा स्टार्ट होगा। तो अभी मैं भंडारे पे निकल रहा हूँ। और आज ये भंडारे का कार्यक्रम ऐसा होता है, जब भी मंदिर में कोई बड़ा कार्य होता है तो भंडारा होता है उसके अंत पे। तो पूरे गांव को और जो गांव के अगल बगल के जो भी एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, तो उनको अन्नभोग कराया जाता है। तो बेसिकली जैसे गुरुद्वारों में होता है कि आप लंगर खाते हो, वैसे यहाँ भंडारा कहा जाता है उसे। तो भंडारा आज गांव पे वो भंडारा बनेगा मंदिर का। हम चल रहे हैं आगे, और आगे सोंदा मिल चुके हैं हमें, और यहाँ पे पीछे गोल्डी बनाना जा रहे हैं। गोल्डी बनर गाय का है ना। और ये पत्ते मंदिर मंदिर में ही वाले पत्ते क्यों चाहिए? तो ये बात शुभ माने जाते हैं। शुभ? ये कौन से पेड़ पात है जो शुभ माने जाते हैं? ये जो कलस में पहियों के पत्ते रखे जाते हैं वो लेके। तो यहाँ पे आज कांफल आदि भी आए हैं। देखो पहाड़ पे होते हैं ना कांफल ऐसे हुआ करते हैं। देखो ये कांफल वाले हैं, आज आए हैं। भैया कांफल कम नहीं लाए आप लोग? कांफल कम नहीं लाए? मुझे लग रहा खत्म हो जाएंगे आपके जल्दी, क्योंकि दिन तक प्रोग्राम है ना, तो खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है बैठे। हाँ या गुल्ली मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लोग पूजा में बैठ चुके हैं, और अभी मंदिर पे सूर्य का टाइम है, तो ज्यादा कुछ लोग अभी आए नहीं है। त्रिकोणम षटकोणम चतुष्कोणम आम जनता होगी वो इस एरिया में बैठेगी, और मेरे ख्याल से भोजन कार्यक्रम है, जो लंगर का प्रोसेस होगा इसे मैदान पे होगा। देखिए जैसे वहाँ पे भी पानी से थोड़ी जो मिट्टी होती है धूलकण, उनको पानी देकर थोड़ी बिठाया जाएगा, नमी करी जाएगी। जो सामने आएगा तो ये धुनी है, तो ये धूनी का प्रांगण मंदिर का काफी पुराना पेड़ है, तो काफी हाइट में जाते हैं। तो साइड से बात देखो, जो हम कल कलश लाए थे वो सारे कलश यहाँ पे रखे गए हैं, और यहाँ पे अभी ये लोग पूजा में बैठे गए हैं। पीछे मैया की मूर्ति है, भंडारे के लिए जो खाना बनाया जा रहा है वो मंदिर के बैक साइड पे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग लगे हैं, हमारे चाचा लोग लगे हैं, दाऊजी लोग यहाँ पे सब बैठे हैं। ये सुबह यहाँ पे 7 बजे से 6 बजे से आके यहाँ पे मंदिर के भंडारे के लिए जो भोजन बन रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं सभी लोग। तो बहुत सारा प्रोसेस यहाँ पे, और ये हमारे गुरु जी ओ मैं तो टीका लगाना भूल गया, तो मुझे भी टीका लगाया जा रहा है। तो ऐसे कुछ मंदिर में ऐसा प्रोसेस होता है टीका बना, जो दिन का भंडारा है उसके लिए जो खाना में जा रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी गांव के लोग। सुबह 6 या 7 बजे से आके यहाँ पे भंडारे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भंडारा काफी बड़ी मात्रा में होता है, तो उसके लिए तैयारी कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। अरे चेतू चप्पल वहाँ खुल गया, उधर से जाना पूरा राउंड अप मारना निगानी। तो यहाँ पे मंदिर का जो झंडा है अभी इसको यहाँ पे लगाने के लिए कुछ पूजा का प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे पूजा हो रही है इसके लिए। तो अभी झंडे को ऊपर को उठाया जाएगा, तो ऐसे करके इसका जो यहाँ पे अभी हमने खड्डा खोदा है इसको उस पर डाला जाएगा खंबे को। ये हाइट पे देखो बहुत अच्छा है, तो ये वो चीज़ है। तो ये झंडा भी ठीक है, अब उसको यहाँ पे लकड़ी के उसको होता है कि यहाँ पे इसको गैठा जाएगा, तो इसे गैठा जाएगा। तो और यहाँ पे हमारे रिचा वीडियो बनाते हुए उनके साथ इनके सहयोगी फोटोग्राफर आलू कटगी बड़ी जल्दी है, आलू कट गए बड़ी जल्दी। आलू रायता से हो गया। फिर से यहाँ पे जो दिन के भंडारे के लिए पूरी के लिए आटा गूंदा जा रहा है, सोनूदास फिर से लगे हैं। अरे बजदा भी तो है, बजदा को गौर करता हूँ। देखो सब हो तुम, बच्चेदा ने काफी अच्छी मेहनत करती है आटा गूंदने में, जो लगा के आई है। और मुक्केबाजी चल रही है, निरीक्षक कराचे हैं। देख ये आटा इस तरह से गूंदा जाएगा कह रहे हैं। सोना बड़ा थप्पा मारो, कल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको। तो यहाँ पे भी देखो सब्जियां कट रही हैं, मेरे ख्याल से आज तक यहाँ पे सब्जियां कट चुकी हैं। तो लौकी की सब्जी और मिक्स गोभी मिक्स होगा, और यहाँ पे आलू काट के पहले से रख दिए गए हैं,
और यहाँ पे झाड़ ननी जा तड़का लगाया जा रहा है तेज पत्ता इलायचियों का यहाँ पे, और सामने में ख्याल से खीर तैयार हो चुकी है। लगाओ जो लगाओ, बहुत जोर है लड़के में। हम भी कह रहे हैं आपका भतीजा, हम मना थोड़ा कर रहे हैं आपका भतीजा। जाओ जाओ मूर्ति दे के जाओ। क्रतवो जन्तु विश्वतो दद्धासो अपरीतासो उद्भिदः देवानो यतः सदमद्रदे असन्न प्रायु रक्षितारो दिवे एक किसी पराज या किसी बर्तन में पहले इनको बढ़िया से रखिएगा, फिर उसके बाद जो है स्नान इत्यादि होगा, जो यहाँ पर जल अलग अलग जल आया है उनसे पहले स्नान होगा मूर्ति का, उसके बाद मूर्ति स्थापित होगा। हमारे पंडित जी और हम यहाँ कर रहे हैं मंदिर की प्रतिष्ठा। थोड़ी लाउड बोला कर भाई, तेरी आवाज नहीं आ रही मुझे। गला बैठा जोर से बोल भाई। जय माता दी, 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 जय माता दी। पंचामृत होगा, पंचामृत से स्नान कराइएगा। पंच नद्या सरस्वतेमभिजन्ति सरस्वते तो पंचदासो देशे भवत् सरिता पंचामृत। तो अभी यहाँ पे गांव के जो लड़के हैं मंदिर पूजा में जो सहायक हैं, लोग अपना फोटो शूट आउट करा रहे हैं। देखो कैमरामैन साहिल, कैमरामैन, कैमरामैन बॉय, यहाँ पे मंदिर समिति के साहिल अपना फोटो शूट आउट करते हुए जो गुंबद के ऊपर त्रिशूल लगता है उसको लगा के फोटो शूट आउट कर। साहिल ओम प्रकाश बाबा बन चुके हैं। अरे हाँ ठीक है ठीक है, आंखें बंद कर ले, कूल एकदम। योगी वाला पोज बनाया साहिल ने। बुबू ऑल्टो कह रहे हैं, बुबू आगे पीछे, बुबू ये उठा ले जाओ, ये देखो क्या कर रहा है ऐसा चीज, फिर त्रिशूल उठा ले जाओ। यहाँ पे अभी गांव के लड़के अपना फोटो शूट आउट कराते हुए हरजू की मूर्ति के सामने, और नीरज का ये काम है कि आज हर किसी लड़के की फोटो लेती हुई भैया के मस्ती का द्वार खोलते हुए। तो गांव की जितनी महिलाएं हैं भैया के दर्शन करने के लिए आई, सब दर्शन करेंगे अभी अंदर मैया की मूर्ति के। दुर्गा मैया की नई प्रतिमा आई है गांव पे, तो इसका स्थापन है। तो जय माता दी। यज्ञ शुरू हो चुका है, तो यज्ञ पे यहाँ पे गांव के अभी जो कपल होते हैं, मैरिज कपल होते हैं, तो जोड़ा बैठाया जाता है यज्ञ के लिए। और ये पीछे बड़ी देर से हमारे हिमानी और कलेक्शन के आए हैं, ये खुद को टीका लगा के, नहीं 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 यहाँ पे लोग टीका लगाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, भाई वो अकेले भी टीका लगा लेगा, नहीं जगह लगाएगा। लगाने तो यार उसको अपने हिसाब से लगाएगा, फोन पे देख के टीका लगाया जा रहा है यहाँ पे। जब लड़के लगा रहे थे तो लगा लेते हाँ, तो दिखा यहाँ को चेहरा दिखा भाई, इसको जगो लगाएगा चलो सर, बड़े माधव हाँ ये बस बस
सूर्य को ठीक समझ लग रहा है, बहुत अच्छे से लगा है। हाँ लगाओ अक्षत भविष्य वसुधारा ये की धारा दीजिएगा और सब लोग हाथ जोड़ करके साइड में खड़े हो जाएंगे। सहदेव भगवान की, हरजू महाराज की, नरसिंह भगवान की, हनुमान जी महाराज की सेवा से चल रही तुम्हारी, बस बहुत बढ़िया, यही चाहिए यही चाहिए। नौ कन्याएं कन्याएं की हृदय मैया के रूप पे जो कन्याएं हैं यहाँ पे कन्याओं को भोजन कराया जाएगा उनके साथ। यहाँ पे भी कन्याओं की छोटे बच्चों के ऐसे पांव धोए जा रहे हैं, जो कन्याओं को हमेशा माता का रूप माना जाता है। नौ कन्याओं को खाना खिलाया जाता है जो मैया के नौ रूप दर्शाते हैं। खिलाने के बाद गांव के छोटे बच्चों को खाना देते हैं। गांव के लोग यहां पे रवीना लगे लकी लगाए और लगाए सारे लगाए और सभी लोग यहां पे छोटे छोटे बच्चों को खाना देते हुए। तो भी ऐसा था कि गांव में जब कन्या खिलाने के बाद सबसे पहले छोटे बच्चों को खाना खिलाया जाता है क्योंकि बच्चे भगवान का रूप माना जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को खाना देते हुए तो मंदिर के बैक साइड पर आंगन में अभी बड़े लोग को खाना खिलाए, जो मंदिर समिति के हैं उन लोग को खाना खिलाया जा रहा है लड़कों द्वारा। तो बच्चों को आगे बैठा के और यहाँ पे पीछे को खिलाया जा रहा है, तो बड़े लोगों का खाना हो रहा है अभी। अरे उधर परिवार की जाएगा सभी लोग जाइए। ओ नंदा चंदा मेरी माता गौरी अम्बा, अरे तू जुनू तू माता सूरज गोरा पूछे
छोड़ो